वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आई मोबाइल जब आप इसको यहाँ पर खोलते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये बैक होती रहती है। तो बेसिकली इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, सबसे पहले जो आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऐप्स में जाना पड़ेगा, मैनेज ऐप्स में जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई मोबाइल ऐप को खोल लेना होगा, ठीक है। ये देखिए आई मोबाइल पे इसे खोल लेना है यहाँ पर। और खोलने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज मिले तो उन पर तीनों पर टिक लगाकर ओके कर दीजिएगा, फोर्स स्टॉप यहाँ से कर दीजिएगा और ऐप परमिशंस पे जाकर इसकी सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एसएमएस और फ़ोन की तो ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी और करिए या मत करिए तो इतने करें। अगर आप लॉगिन भी नहीं कर चुके हैं, यानी कि लॉगिन तो कर लिया आपने लेकिन अगर फिर भी अगर आपने लॉगिन नहीं किया है और ऐप आपका न्यू है बिल्कुल, तो उसमें डेटा क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज डेटा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही प्रोसेस करिएगा और फिर आई मोबाइल ऐप को चलाइएगा। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर, हमें चलाने से पहले कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अलाओ अलाओ और सब पर अलाओ क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर एप्लीकेशन जो है अब हमारी चल चुकी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।